फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इस चैप्टर में हम फार्मेसी प्रोफेशन के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि फार्मेसी का सोर्स क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, इस प्रोफेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और आगे इस प्रोफेशन का क्या फ्यूचर कैरियर एक्सपेक्ट हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। हमें फार्मेसी की हिस्ट्री या उसके डेवलपमेंट जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली में फार्मेसी क्या होता है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो फार्मेसी, हम सोचते फार्मेसी स्टोर्स एंड ऑल, तो वो क्या है? वो एक्चुअली एक प्रोफेशन है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है ड्रग्स की स्टडी की। वो ड्रग या वो मेडिसिन की स्टडी जिससे कोई भी डिसीज की ट्रीटमेंट की जाती है या उसका प्रिवेंशन किया जाता है या उसे मैनेज किया जाता है। हम फार्मेसी प्रोफेशन में ड्रग की डिस्कवरी, डिस्पेंसिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसे किस सोर्स से, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक सोर्स हो, उसे किस सोर्स से हमें वो ड्रग मिला है, ये सब स्टडी की जाती है। उसके साइड इफेक्ट्स, उसके एडवर्स इफेक्ट, उसके आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, ये सब स्टडी हम लोग करते हैं फार्मेसी में। सो हियर इज द डेफिनेशन। फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन ऑफ आर्ट, साइंस एंड इकोनॉमिक्स of discovery and preparation of from natural and synthetic drugs and non-drug materials needed for prevention, management, treatment of diseases in men and animals. Pharmacy was coined from the Greek word pharmakon, meaning medicines or drug. A pharmacist is a medicine or a drug man. Pharmacist को medicine या फिर drug man भी कहा जाता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं फार्मेसी के डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में, यानी कि हम क्या क्या कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं फार्मेसी में। So starting with diploma in pharmacy, जो कि 2 years का कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 12th इन साइंस और मैथ स्ट्रीम, चाहे तो साइंस या मैथ्स का स्टूडेंट होना चाहिए और क्लास 12th पास होना चाहिए। इस डी फार्मेसी 2 साल के कोर्स में फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट इसमें पढ़े जाते हैं। इसके कैरियर ऑप्शन है, अगर आपने डी फार्म किया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनलिस्ट बन जाए, टेक्निकल सुपरविजन बन जाए, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स, साइंटिफिक ऑफिसर्स, या फिर आप खुद का ओन फर्म खोल सकते हैं अपने खुद की लाइसेंस से। ये सारे कैरियर ऑप्शन हैं डी फार्मेसी के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। दूसरा आता है बैचलर इन फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 years की डिग्री प्रोग्राम है, ये एक डिग्री कोर्स है, दिस इज द ग्रेजुएशन कोर्स। इसके लिए आपको क्लास 12th पास होना जरूरी है साइंस या मैथ स्ट्रीम से, या फिर आप डायरेक्टली डी फार्म के बाद एंट्री ले सकते हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में। डायरेक्ट एंट्री होती है जिसे लेटरल एंट्री भी कहा जाता है। डी फार्म अगर आपने 2 साल का कर लिया है तो आप बी फार्म के सेकेंड ईयर में एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हैं। 4 years का यूजी डिग्री है ये, फॉर स्टूडेंट्स विच आर इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड और डिस्पेंसिंग और टू गो फॉर इंडस्ट्रीज, तो उन लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। इनके लिए कैरियर ऑप्शंस है एनालिटिकल केमिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर्स, हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर्स, ड्रग टेक्नीशियंस, हेल्थ इंस्पेक्टर्स, केमिकल टेक्नीशियंस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, क्लिनिकल रिसर्चर्स, मेडिकल राइटर्स,
पैथोलॉजिकल लैब साइंटिस्ट रिसर्चर्स और दे कैन ऑल्सो ओपन देयर ओन फर्म विद देयर ओन लाइसेंस एंड और बैचलर ऑफ फार्मेसी में एक एडवांटेज और है कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं और आप कोई भी जैसे दूसरे फील्ड के स्टूडेंट्स कोई भी दूसरे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, आप भी कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म कोई भी सब्जेक्ट का डाल सकते हैं जो आपके साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हो. नाउ थर्ड इज मास्टर ऑफ फार्मेसी. ये 2 साल का पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, जो कि बैचलर ऑफ यानी बीए फार्मेसी के बाद किया जाता है. इस कोर्स में मास्टर ऑफ फार्मेसी में आपको वेरियस स्ट्रीम चूज करने रहते हैं. आपको थीसिस बनाना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट सबमिशन करना पड़ता है और इस जो हमने बैचलर ऑफ फार्मेसी में हमने जो कुछ सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ये सारे जो मेन फील्ड्स हैं आप उसमें जा सकते हैं और उसमें मास्टर्स कर सकते हैं. वो मास्टर्स करने के बाद अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन आप अपनी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फार्माकोलॉजी स्ट्रीम में गए हैं तो आप एकेडमिक रिसर्चर बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं. एक होता है मास्टर ऑफ साइंस इन फार्मेसी एमएस फार्म, जो कि 5 years का डिग्री प्रोग्राम है. ये आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी किया जा सकता है. इससे रिलेटेड करियर ऑप्शंस हैं, पेशेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, मेडिकल राइटर बन सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट बन सकते हैं एंड फर्दर मोर टेक इन फार्मेसी यानी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी, जो कि 2 years का कोर्स है, जो कि अगर आप ग्रेजुएट हैं एमटेक बीई एमएससी से या बी फार्मा से तो आप इसे परस्यू कर सकते हैं. इसके करियर ऑप्शंस हैं फार्मास्यूटिकल पेटेंट एनालिस्ट, बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, साइंटिफिक रिसर्च मैनेजर और क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट. आप ये सारे प्रोफेशंस में अगर आपने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मेसी किया है तो आप ये सारे फील्ड में जा सकते हैं. 6th है फार्मा डी. ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, जो कि 6 years का प्रोग्राम है, जो कि आफ्टर जिसके लिए आपको क्लास 12th का सर्टिफिकेट चाहिए साइंस फील्ड से या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री चाहिए और मास्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री चाहिए. इसमें कैरियर ऑप्शंस हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी, मेडिकल राइटर, मेडिकल सेफ्टी फिजिशियन, सप्लाई लॉजिस्टिक लीडर, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स और आप फिर एकेडमिक फील्ड्स में जा सकते हैं. तो ये है आपके कैरियर ऑप्शंस डॉक्टर इन ऑफ फार्मेसी करने के बाद यानी फार्मा डी करने के बाद. फिर एक और है, वो है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी दैट इज पीएचडी. ये 3 to 7 years प्रोग्राम है. ये पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद इसे किया जाता है, यानी आपके एम फार्म के बाद आप इसे करेंगे. इसमें कैरियर ऑप्शंस हैं आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, एकेडमिक्स में आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप एक प्रोफेसर के फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं. कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट मैनेजर, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आपके पास ऑप्शंस में रहेंगे. ये थे हमारे डिग्री प्रोग्राम्स रिलेटेड टू फार्मेसी. नाउ मूविंग अहेड विद हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी. अब हम जानते हैं हिस्ट्री फार्मेसी की. अगर हम फार्मेसी के इतिहास के बारे में बात करें, अगर हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो मैंने इस टेबल में उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया. एक प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी एडी पीरियड, एंशियंट टाइम पे जो एडी पीरियड चलता था वो. उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी 1947 से पहले जो डिस्कवरीज हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है फार्मेसी फील्ड में, उसके बारे में पढ़ेंगे. और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जो जो डेवलपमेंट हुआ है फार्मेसी फील्ड में. आपको बताया कि फार्मेसी एक ऐसा फील्ड है, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्स से मिला हो, चाहे वो सिंथेटिक सोर्स से मिला हो. तो सबसे पहले
अगर आपको पता हो, जो हम आज भी यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं घरेलू नुस्खे, जो होता है होम रेमेडीज, तो सबसे पहले शायद किसी ने, किसी को चोट लगी हो तो कोई पत्ते से उस चोट को ठीक किया हो। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मेडिकल फील्ड। वो जो है वो कहाँ से आया है? हमारे एंशियंट टाइम से आया है। तो ये वो टाइम हम इसमें पढ़ने वाले हैं जब हमारे पास मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, हमारे पास कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक किसी डिसीज के लिए कोई ड्रग नहीं हुआ करता था, कोई मेडिसिन नहीं हुआ करते थे, और उस समय जो स्लोली स्लोली जो डेवलपमेंट हुआ है, ये उस टाइम से स्टार्ट होता है जब हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम यही देख रहे हैं कि पहले हम कैसे थे और आज हमारे पास धीरे धीरे क्या डेवलपमेंट आया है हमारे लाइफ में, हमारे फार्मेसी फील्ड की वजह से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे डेवलपमेंट हुआ है हमारा मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड के डेवलपमेंट में फार्मेसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसने धीरे 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 मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट शो किया है। इसीलिए हम पहले इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे यानी एडी पीरियड पढ़ेंगे, फिर प्री इंडिपेंडेंस एरा पढ़ेंगे यानी 1947 से पहले जो एरा चला था उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पढ़ेंगे। अगर हम सोचें फार्मेसी के इतिहास के बारे में, तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं। अगर हम जाएं पुराने समय में, तो उस समय ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे कोई मेडिसिन नहीं थी, ऐसे कोई ड्रग नहीं थे जो किसी डिसीज को ट्रीट करें, पर लोगों के एक्सपीरियंस के वजह से या लोगों के पेड़ पौधों के नॉलेज की वजह से सबसे पहले नेचुरली ही हमने प्रोडक्ट्स को, ड्रग को पाया है। जैसे चोट लगती थी तो हल्दी लगा लेते थे, पिंपल हुआ तो नीम के पत्ते से धो लिए। उस समय ये नहीं पता था कि नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से, या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से पिंपल ठीक हो रहे हैं। हल्दी में, टर्मरिक में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं जिसके वजह से वो जो चोट है या जो घाव है वो ठीक हो रहा है। हम वो चीज नहीं सोचते थे, बट ये सब फार्मेसी फील्ड ने हमें बताया, जो कि आज ये हुआ है कि हमें आजकल कितने सारे बड़े डिसीजेस के भी ट्रीटमेंट मिलने लग गए हैं। तो हम अगर इसके बारे में देखें कि ये कैसे हुआ, कैसे आया, तो देखते हैं। सबसे पहले 900 एडी में हॉस्पिटल एक्टिविटी इन इंडिया इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग डिसीजेस लाइक पाइल्स, जॉन्डिस, ड्रॉपसी, टीबी, हेमरेजेस, इट वॉज डिस्कवर्ड इन तिरुमाकुंडल विलेज, तमिलनाडु। 900 एडी में हॉस्पिटल आया था इंडिया में ट्रीट करने के लिए पाइल्स, जॉन्डिस, ड्रॉपसी, टीबी, हेमरेजेस जैसी डिसीजेस को, जो कि सबसे पहले तमिलनाडु के तिरुमाकुंडल विलेज में डिस्कवर हुआ। फिर 1000 एडी में पैटर्न ऑफ चारक फॉर ट्रीटिंग डिसीजेस वॉज फॉलोड बाय मेडिकल वर्क्स। चाणक्य ने, एक जो वैद्य थे, उन्होंने, चाणक्य ने डिसीज को ट्रीट करने के लिए एक पैटर्न बनाया था जिसको मेडिकल वर्कर्स ने फॉलो किया। फिर 1500 में इंडियन ड्रग्स एंड हर्ब्स इन्फ्लुएंस्ड यूरोप। यूरोप को हमारे इंडिया के हर्ब्स और ड्रग्स इन्फ्लुएंस किए थे और उन्होंने आगे हमारे ड्रग्स को लिया और कुछ ड्रग्स उन्होंने बनाए। 1563 में पोर्टुगिस्ट फिजिशियन कम टीचर जो थे, गार्नेशिया डी ऑर्टा, उन्होंने इंडियन हर्ब्स के बारे में एक आर्टिकल छापा था, कॉलोजियस डॉस्ट्रोपस अड्रोगस डा इंडिका, जो कि इंडियन हर्ब्स के बारे में डिस्क्राइब करता था। 1664 एडी में फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल स्टैब्लिश हुआ था चेन्नई में। 1835 एडी में सीएमसी, चेन्नई मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ था, वॉज स्टार्टेड, जो आज बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होके बहुत सारे
डिसीजेस स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में से एक है। 1936 में कैलकटा मेडिकल कॉलेज कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। नाउ मूविंग अहेड विद प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी एंशिएंट एडी पीरियड से आगे अगर हम जाएं प्री इंडिपेंडेंस एरा में, इंडिपेंडेंस से पहले में, तो 1824 में लंदन फार्माकोपिया बिकेम अवेलेबल इन इंडिया। लंदन फार्माकोपिया इंडिया में अवेलेबल हुआ था, वो भी हिंदुस्तानी वर्जन में। नाउ नेक्स्ट 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था एट पंजिम गोवा। देन 1841 में डब्ल्यू बी ओ शॉगनेसी ने पब्लिश किया था बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वॉल्यूम 1 कलकत्ता में। 1843 में देवनागरी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लंदन फार्माकोपिया को अवेलेबल करवाया था हिंदी और बंगाली में। इन 1864 में बंगाल फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। 1868 फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश मोनार्की। 1869 में वर्नैक्युलर नेम्स ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स को कंपाइल किया गया था एक फार्मासिस्ट के द्वारा चेन्नई कॉलेज और हॉस्पिटल्स। 1879 में रेगुलर टू ईयर्स कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वॉज स्टार्टेड एट एमएमसी। इन 1932 में वाइस चांसलर ऑफ बीएचयू लेट पंडित मदन मोहन मालविया इंक्लूडेड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कोर्स एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1935 में फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विद एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वॉज डेवलप्ड अंडर द बैनर ऑफ बीएचयू फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। इन 1937-38 प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जिनको कहा जाता है, स्टार्टेड द रेगुलर डिग्री कोर्स ऑफ बी फार्म इन एट बीएचयू। बीएचयू में उन्होंने डिग्री कोर्स अप्लाई किया था। इन 1938 फर्स्ट इशू ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज पब्लिश्ड। इन 1940 सुभद्रा कुमार पटनी, हु वॉज फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट इन इंडिया, वॉज ग्रेजुएटेड एंड प्रोफेसर श्रॉफ स्टार्टेड एम फार्मेसी इन बीएचयू। सुभद्रा कुमार पटनी जो कि फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट है, वो ग्रेजुएट हुए थे और प्रोफेसर श्रॉफ स्टार्ट किए थे एम फार्मेसी बीएचयू में। इन 1941 पोस्ट फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी वॉज अनाउंस्ड एट केईएम हॉस्पिटल मुंबई। सबसे पहला पोस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी का 1941 में अनाउंस किया गया था केईएम हॉस्पिटल के द्वारा मुंबई में। इन 1943 गोरख प्रसाद श्रीवास्तव बिकेम फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी इन इंडिया फ्रॉम बीएचयू। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे गोरख प्रसाद श्रीवास्तव फार्मेसी में। 1944 में डिग्री कोर्स इन फार्मेसी वॉज स्टार्टेड एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर विद द एम टू प्रोड्यूस मैन पावर फॉर प्रोफेशनल फार्मेसी। पंजाब यूनिवर्सिटी में डिग्री कोर्स ऑफ फार्मेसी सबसे पहले 1944 में स्टार्ट हुआ था। मूविंग अहेड विद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन 1949 डिप्लोमा इन फार्मेसी वॉज स्टार्टेड इन द इंस्टीट्यूट एट जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। फिर 1953 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। 1953 में फार्मेसी पीसीआई एस्टैब्लिश हुआ था और एजुकेशन रेगुलर, जो पीसीआई ने ये कहा था कि डिप्लोमा कोर्स सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपको फार्मेसी फील्ड में एंट्री लेने के लिए एज अ फार्मासिस्ट। और शिव बिहारी लाल जो कि फर्स्ट पीएचडी होल्डर थे
वो फर्स्ट टाइम डॉक्टरेट डिग्री के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पटना से 1953 में पास हुए थे। नेक्स्ट 1954 में पे स्केल ऑफ फार्मासिस्ट वाज रिकमेंडेड बाय मेजर जनरल एसएल भाटिया इन द फार्मेसी इंक्वायरी कमिटी रिपोर्ट। 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। 1960 AICT ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गेव द सिलेबस ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी। 1966 में सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। इन 1978 नायोदमा कमिटी डायरेक्टेड गेट एग्जामिनेशन फॉर एम फार्म कोर्सेज विद स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया उन्होंने। 1985 में थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड। इन 1991 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नाइपर वॉज एस्टैब्लिश्ड एट मोहाली विथ डॉक्टर सी एल कौर एज द फर्स्ट डायरेक्टर। नाइपर जो कि आज भी वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है फार्मेसी फील्ड में, एस्टैब्लिश हुआ था 1991 में। 1996 में फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज एस्टैब्लिश्ड। इन 2007 फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड इन 2008 10th में फार्मा डी रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 नोटिफाइड हुए थे इंडियन गैजेट्स में विद एन ऑब्जेक्टिव कि वो फ्यूचर फार्मासिस्ट को स्किल्स प्रोवाइड करें डिस्पेंसिंग के और वो एक्ट कर सके एज अ काउंसलर ऑफ मेडिसिन फोकसिंग टुवर्ड्स द पेशेंट्स एंड द प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।